अपने गुरुदेव परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ। एक बारी नहीं करोड़ बारी जिन्होंने इस गरीब आत्मा ते बड़ी दया की मेहर की। रविदास ने कहा मैं वो शहर दे विच्चों आया है जिथे किसी चीज का गम नहीं गा, अंधेरा नहीं, उथे प्रकाश है, नूर है। कबीर साहब ने कहा अगर कोई महरम होवे तो ही साडे घर नूं जान सकता है, समझ सकता है। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सी कूंजां दी सार कूंजां जाणदियां हन, घुगियां गुटारां चिड़ियां नूं की ज्ञान है कि किस वतन तो कूंजां आउंदियां हन, इन्हां दा कैसा वतन है। इसे तरह संतां दे वतन नूं संत ही जाणदे है या जिन्हां नूं उह अपनी पछाण देण। आम कहावत है कि प्रभु भगतां दे वस विच है। सो मैं आम तौर ते थानू कहानी हमेशा ही दसदा रहना है कि इस गरीब आत्मा ते उस परमात्मा कृपाल ने किस तरह अपनी मेहर की, दया की। 25 साल वो महापुरश धोखा दिंदे रहे कि भी कोई इंसान बने, कोई बंदा बने, भगवान उस दी तलाश विच है, वो दी पहाड़ विच है। ये जो कुछ वो कहिंदे सी ये सच सी। जिन्ना लोकां ने अपना बर्तन बना लिया, जिन्ना आत्मा ने ओदे बैठण वास्ते जगह बना ली, उस नूं प्यार विच आके किते आवाज ला ली अंदरों कि किते हैं ते मैनू मिल, वो जरूर प्यार दा खिंचया उथे आया। जैसा जैसा किसी ने पकारिया, जैसा जैसा किसी दा वर्तन सी, वैसी वैसी वो दात दिंदा रहा। क्योंकि आम तौर ते असी दुनियादार जितने भी जीव हैं संतां तो नाम भी लेने हैं, अभ्यास भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन गुरु नूं मिलन वास्ते नाम दी कमाई बड़े गिणती दे गिने जा सकते हैं जिहड़े करदे है। नहीं तां कोई कहिंदा है साडे घर विच बीमारी ना पवे या बेरोजगारी ना आ जावे या किते साडे रिश्तेदार साडे ते नाराज ना हो जाण या साडे जिहड़े देवी देवते है जिन्हां नूं असीं वड्डे बनाउने है जिहड़े ना असीं देखे ना साडे किसे वड्डे वडेरे ने देखे, कहने हैं कि वो ना रुस जान, वो ना तो डरते हुए भगती करते हैं। जिस तरह अपने राजस्थान के अंदर गुगे की पूजा होंगी है, लोग गुगे की पूजा कोई वो प्यार की खातर नहीं करता गा, सिर्फ वो डंग तो डरता होया, वो जहर तो डरते हुए लोग पूजा करते हैं। मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुंदा है कि जब मैं परमात्मा कृपाल के चोला छिड़न तो उदास होके कई जगह मैं रहा, उस पड़ा दे अंदर पिंड किल्लियां वाली भी आया। उत्थे जिस जगह मैं रहिंदा सी मेरे साथ ही पिछले पासे लोग गुग्गे नूं पूजण वास्ते आउंदे सी। एक मियां बीबी घरों तुरे, मेरे देखण विच ही, ते मैं सुनी बात नहीं करदा, बड़ा उहनां विच प्यार उमंग वी आपां वी गुग्गे नूं पूजिए। सेवियां वगैरह धरियां, मालक की मौज ऐसी हुई कि उन्होंने सप नज़र विच पिया। जब तुरन लगे उन्होंने बड़ी काली ना थाली तां रख दित्ती, वो सप मारता। मेरे रौला पाउंदा पाउंदा भी इहदी तां तुसीं पूजा करन वास्ते गए करो तुरे हो, हुण तुसीं देख लो जिहड़े लोग इहो जी भगती करदे आ उन्हां लोकां कोल की जवाब हो सकदा है। सो जो संतां दी रहमत है वो इस तरह उन्होंने आके रहमत करी। मैं दसदा हुंदा जिस तरह
ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਜਾਨਾ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਆਜਜ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਵਕਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੋਈ ਵਸਤੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਸਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸਨੇ ਚੰਗਾ ਆਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰਲੀ ਐਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਐਸਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮਚੰਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂਝੂ ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆ ਕਿ ਸਵਾਦੂ ਹੈ।
मैं उन्हें हंस के कहा कि दोनों च भी मैं कोई नहीं गा, ना साधु ते ना स्वादु। अगर मैं स्वादु हुंदा उदो थानू पता है कि एक तरफों एक सैड चो आंधी चलती हुंदी, दो दो महीने आंधी चलती, जिथे बैठते हो सकता शाम को बंदा रेते च ही दबै जाए। जिन्हां लोगों ने नज़ारे वेखे है उन्होंने पता है कि इतों दियां आंधियां कैसियां सन। कहावत है एवें गल पेगी बीकानेर दी अंधेरी, बगैर बुलाया आ जाती सी, बगैर सद्या बगैर सोचे ही आ जाती सी। सो इस वास्ते उस वक्त मैं आख जे मैं स्वादु हुंदा तो मैं पिछे पंजाब अंदर ही टिकया रहिंदा, जे मैं साधु मैं इस वास्ते नहीं गा कि मैनू कोई रस्ता नहीं मिलिया। क्योंकि पहली मंजिल ते पहुंचिया चेला कह लो, शिष कह लो, सिख कह लो, जिहदे अंदर जोत प्रगट हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा वह सिख है जिहदे अंदर जोत प्रगट है, पूर्ण जोत जगे कटमाहे, तब खालस नहीं नखालस जाना है। खालसा और नखालस चीज दे विच बड़ा फर्क है। नखालस मिश्रित चीज नूं कहा जाता है जिहड़ी रली मिली है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार दे झौके उठते हैं, वह खालस नहीं गा, वह नखालस है। जिसके अंदर पूर्ण जोत का विकास हो गया, ये सारे पतंगे पंजा डाकुआ दे शांत हो गए है, वह बन गया खालसा। ऐसा खालसा आप भी तर जाता है, जो दी शरण विच आउंदे उन्हां नूं भी वह तारदा है। तो पहली मंजिल ते पहुंचया होया सिख है, चाहे उन्हूं चेला कह लो चाहे शिष कह लो। तो ब्रह्म दे विच पहुंचया ज्ञानी है, क्योंकि सब ज्ञान दा सोभा ब्रह्म है। पंजे तत् तिने गुण का उतों ही विकास हुंदा है। योगियां दी ज्ञानियां दी बहुत सारे समाजां दी ये आखिरी मंजिल है, आखिरी सीढ़ी है। तो पार ब्रह्म दे विच पहुंचया होया साधु है, क्योंकि अज तक असी आम लोग साधु संत दे लफ्ज दा चाहे कोई पढ़िया लिखिया है चाहे कोई अनपढ़ है सब असी धोखा खांदे आउने हैं। असी आम तौर ते जेड़े लोग समाजिक धार्मिक रौ रीति दे मुताबक कर्मकांड विच नपुन हुंदे है, कोई मिशन चलाउंदे है, कोई धर्म स्थान दे रखवाले है, उन्हूं भी असी संती कहने हैं, साध कहने हैं। जेड़े लोग मंगदे फिरदे है किसे दे भगवे पाए है लाल पाए है उन्हूं भी असी साधु संती कहने हैं। पिछे जब मरदमशुमारी साड़ी करी गौरमेंट ने उदो 52 लख साधु की गिनती दर्ज हुई। हुण तुसी सोच के देख लो अगर इतने सारे साधु ही होण तो दुनिया विच जरूर शांति आ जानी चाहिए सी। आ समाजिक जो झगड़े है जो लड़ाइयां हन, असी हिंदू हैं असी सिख हैं असी ईसाई हैं असी मुसलमान हैं, तो ये सारे मिट जाने चाहिए सन, लेकिन ऐसा नहीं। कबीर साहब कहते हैं सिंगों के लहेंडे नहीं, हंसों की नहीं पांत, लाले लाला किया नहीं बोरियां, तो साध न चले जमात। साध वो है जेड़ा पार ब्रह्म दे विच पहुंच गया, जिन्हें साधना करके मन नूं दुनिया की तरफों पलट लिया, मन नूं वस विच कर लिया, वो साध है। अगर ऐसा मिले तो असी चरणा नूं हथ लाउण नूं तैयार हैं। भागा ना मिलता है, संत वो है जिसका मिलाप सतपुरश ना हो गया, सतपुरश का ही रूप हो गया, वो संत है। जिवें स्कूलों के अंदर डिग्रियां मिलदियां आपां नूं, BA MA दियां डिग्रियां हन, FA दी डिग्री है, मैट्रिक दी है, मिडल दी है,
इसे तरह परमार्थ के अंदर भी साधु संतान की डिग्री है। लेकिन अज तक इस लफ्ज की व्याख्या सही अर्थां च नहीं असी करदे। असी आम तौर दे उत्ते साधु संत जो हन सानू उन्हां दी परख असी करन दी कोशिश ही नहीं करदे गे भी कि इहनूं साध गति प्राप्त है, कि यह सचमुच साध बन गया है, कि यह पारब्रह्म दे विच पहुंच गया है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है ऐसा मिलता है तो साड़ी जिंदगी नू सहारा मिलता है, साड़ी जिंदगी नू ठहराव मिलता है, आत्मा नू तरवास मिलता है, क्योंकि उहदे मंडल अंदर रूहानियत दे राव चलते हैं, किरणा चल दियां हन, अग्नि दे पाठ बैठते हैं। बेशक उसी उसनू अग्नि ना ही मनिए पर उहदे अंदर सेक दी तपश दी गुण हन, वह जरूर तपश दिंदी है। पानी अंदर आप जे बैठते हैं पानी दे पास तो उत्थों आपां नू ठंड मिलती है, स्कूलां कालजां दे विच जाने हैं उत्थों आपां नू तालीम मिलती है। इस तरह अगर मालक दे नाम दे रंग विच रंगियां कोले आपां जाने हैं तो सानू उत्थे आत्मा नू शांति मिलती है। सो ऐसा साधु साडी आवाज़ नू पवे असीं नहीं देखिया फिर भी सुनदा है। तो ऐसे ही मेरे गुरुदेव परमात्मा कृपाल ने कृपा की, जब इस गरीब आत्मा ने अपनी गरीबी की दुहाई पाई वो इस तरह आया जिमें रविदास खुद पीपे पास चल के गया सीगा, क्योंकि राजे पीपे ने पूछया दिल दे विच परमार्थ का शौक सी तो वह घर अंदर मंदिर बना के उहदी पूजा करदा सीगा। जद उहदी पूजा करदा सी आवाज आउंदी सी कि पूपा पीपा पूरा गुरु ढूंढ, नहीं तो काल खल लुहा देगा। काल कोई हउआ नहीं, कोई लफ्ज नहीं, यह ताकत है। जद भी कोई निगुरी आत्मा मिलती है वो तो खूब ये बदला लेंदा है जो जो कर्म किसी ने करया है, क्योंकि इहदे राज विच न्याय है, बदला है। तो संतां दे राज अंदर माफ़ी है। सो इस वास्ते उन्होंने कहा कि कबीर साहब तो है ही नहीं, रविदास है। गंगा का पुरब लग्या सी, वो चले गए बड़े प्यार दे नाल। लेकिन साडा मन जिन्ना असी वध जोर दे नाल अभ्यास विच लगते हैं या संतां दे पास जाने हैं, मन भी आपदे सारे हथियार सारी ताकत लेके साडे मगर हो लैंदा है, क्योंकि काल का एजेंट है। इसकी ड्यूटी है कि कोई भी आत्मा गुरु भगती करने ना पाए। तो अगे रविदास के दिल में दया उठी कि एक राजा होके मेरे पास ही आया, मैं एक दुनियावी तौर पर जुतियां गठन वाला हाँ, भी इनू कुछ देिए। कहिंदे राजा बुक कर, वह टिंड दे विचों पानी कढ के कुन विच पा रहा सी टिंड दे नाल। तो मन कद साथ छड़दा है, कद वक्त हाथ चों कढदा है। मैं दसदा हुंना कि वकील दी तरह अंदरों ही समझा दिंदा है, फुरना फुरिया कि यह चमार है, फिर चम दे विचों पानी निकाल रहा है। मैं क्षत्री राजपूत हाँ, अगर मैं इहदे हथ दा पानी पी लिया मता चमार ना बन जावां। खुलियां कुड़ता बाहां दा उहदे कुड़ता पाया सी और उसने पानी नीचे ही वगा दिता, अंदर नहीं लंघन दिता। करे गया धोबी नूं बुलाया, किसे नूं पता ना लगे, खड़े काट इस नूं साफ करके लिया बई, इहदे दाग भी लाई। कहदा इह है कि धोबी उहनां दागां नूं चूसदे है, उह तां थुक दिंदे है। लड़की नूं कहा कि मैं पट्ठी तैयार करदा हाँ, क्योंकि राजे दे कपड़े है जल्दी देने है, तू इन्हां दागां नूं चूस। वह लड़की छोटी सी नाबालिग सी, उसने वो दाग चूस के
बजाए थले सिटन ते अंदर नगाउंदी गई। हुण उह पूर्ण संतां दे हत्थां दा अमृत बन चुकिया सी। उह अमृत ही उसनूं दे रहे सीगे। जिवें जिवें उह अंदर जावे ते पड़दे खुलदे जाण, ज्ञान ध्यान दीआं गल्लां करन लगी। अड़ोस पड़ोस हर जगह उहदा चर्चा होण लगी कि धोबियां दे घर जो लड़की है बड़ी ही ज्ञानी ध्यानी है, कमाई वाली है। तो राजे नूं परमार्थ दा शौक सीगा। एक दिन रात नूं राजा उह लड़की दे पास गया। जदों लड़की दे पास गया तो लड़की ने सोचा भी जो मैनू शांति मिली, राज मिलिया है, वह राजे के कुड़त्या ही मिलिया है, कपड़िया ही मिलिया है। वह धन्यवाद के तौर पर खड़ी होण लगी। राजा कहण लगा, बेटी मैं राजा बन के तो तेरे पास नहीं आया, मैं तो एक भिखारी बन के आया है। वो कहती, मैं राजा बन के वो नहीं खड़ी होंगी गी, मैं इस तरह खड़ी हुन्नी है तेरे सत्कार वास्ते कि जो राज सी, हकीकत सी, सच्चाई सी, वो तेरे ही कपड़ियां विच सी। हुण साडे मन नूं जद इह पता लग जावे कि सानूं इतना घाटा पै गया है तो मन फिर सानूं बहुत पछतावे दे गहरे खड्डे विच भी गेरदा है, फिर पछतावा भी बड़ा करदा है, कराउंदा है। तो राजा भजिया, लोक लाज सबनू तरकारदा होया कि तेरा बुरा होए, मैनू हथ आया अमृत ना पीण दिता। वो गया महात्मा दे पास कि महात्मा जी उदो तो मैं भुल गया, हुण दया करो। वो कहिंदे, देख बई उदो तो दया सी, हुण तैनू रस्ता दस दिने, नाम का भेद दे दिने, तू अपनी प्यार ना कमाई कर। थानू पता है जिन्ना आत्मा अंदर इन्नी तड़फ है वो दुनिया की मानवीडियाई की खातर भगती नहीं करते गे, वो परमात्मा नू मिलन वास्ते भगती करते हैं। उसने ऐसी भगती करी, परम गति नू प्राप्त होया। उन्हां दा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु अर्जन देव ने उन्हां दी बाणी दर्ज करी है जिन्हां दी पहुँच सचखंड तक सी, या पंज शब्द का भेद सी। जिन्हां दा इह रस्ता नहीं सीगा उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने। सो कल उबराए साहब ने जो थानू सत्संग सुनाया सीगा उहदे विच उन्होंने दस्या सीगा कि मैं ये मिसाल आम दिना हुन्ना कि फर्ज करो किसी का बहुत सारा सोना चांदी गुम हो जाए, घर अंदर ही दबिया होवे, वो बाहर कौड़ी कौड़ी मंगदा फिरे, उहनूं उस धन का की फायदा हो सकता है। अगर उहदे घर का भेत ही मिल जाता है, उसनूं उहदा धन दस दिंदा है, उसनूं कढ़ के धन नूं बड़ियां अच्छियां कारां खरीद लैंदा है, मकान बना लैंदा है, रहन सहन के सारे साधन बना लैंदा है, हुण उह कि सोने चांदी का धनवाद करे या कि लवाउण वाले का। असी अपने आप ही कह देवांगे कि बई सोना चांदी तो पहला भी उहदे घर सी, वह भुखा मरदा सी, सड़कां ते कौड़ी कौड़ी मंगदा सीगा, तो लभाउण वाले का ही धन्यवाद करेगा। इसे तरह वह परिपूर्ण परमात्मा बेशक साडे सब दे अंदर है। इस तरह है जिवें मेहंदी दे पत्तरां दे अंदर रंग समाया हुंदा है, फुल दे अंदर खुशबू समाई हुंदी है, लेकिन उहदे हुंदिया होया असी अनेकां वार कीड़े पतंगे बनते हैं, गधे घोड़े बनते हैं, इंसान बनते हैं, हवान बनते हैं, बड़िया बड़िया लम्बिया चौड़ियां असी चौरासी विच भी पै जाने हैं। वो ना तो किसी नूं चोरी करनू हटाउंदी है ताकत, ना किसी नूं होर भैड़े खोटे ऐब तो हटाउंदी है, वो हमेशा ही साडे अंदर ताकत रमी हुई है। तो संतां दा असी क्यों गुरु दा धन्नवाद करदे हैं, उन्होंने वो साडे अंदर ही राम सी, परमात्मा साडे अंदर ही सी, जिहदे हुंदिया होया असी अनेक जन्म पाउंदे रहे, उन्होंने वो लभाता, उहदे नाल मिलन विच मदद कर दित्ती, वो मदद बगैर मुआवजे तो कीती,
मैं दसदा हुंदा ऐसे पूरे संत सिर्फ संत तो आपदी संगत तो आपदे प्यारे बच्चों तो अगर कोई उवास करदे तो भजन दी करदे है। वो ये नहीं कहिंदा कि मेरे तुसी ना अपनियां जायदादां लवाओ या जो तुसी बाल बच्चों ते खर्च करना है वो मेरे अगे लिया के रख जाओ। उन्हें साडा धन पदार्थ की करना है, उन्हूं उहदे गुरु ने बड़ा कुछ दिता हुंदा है। उन पै तन है भगत नाम का, उहदे कोल बड़ा ही कुछ उस प्रभु उहदे गुरु ने दिता हुंदा है। सो प्यारे अगर वो आस करता है सेवक तो सिर्फ भजन सिमरन दी कि ए लियाओ, इस वास्ते वो साढ़े ते दया करते हैं, मुफ्त दे विच ही दया करते हैं, साढ़े मिलने की मदद करते हैं। जितने भी अज तक मैं दसदा हुंना संत मत कोई परियां की कहानी नहीं गी, जो लोग अज असी क्योंकि प्रचार का युग है, जो लोग इश्तहारां दे विच कढ़दे हैं, इश्तहारबाजी करते हैं कि आओ साढ़े पास असी तुहाडा पर्दा खोलते हैं, लेकिन अज तक सब संत जो पहुंचे हुए है ये सब यही कहते हैं कहत कबीर शूशा घट बोला है, भरिया होए ना कबहू डोला है। जो पंडा भरिया है वो तो कदे भी नहीं लोगों के अगे इश्तहारबाजी करता कि मैं कुछ है। कबीर साहब कहते जिन पाया तिने छपाया, ममूले भी साढ़े को धन पदार्थ है असं उन्होंने किन्ना सेब विच रखते हैं, सामभ के रखते हैं कि रूहानियत ही ऐसी है जेडे कि असी लोगों तो मत्थे टकाउण वास्ते खराब करिए। इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार नाल बड़े ही प्यार नाल वो साड़ी मदद करन वास्ते आउंदे है, बगैर किसी मुआवजे दे, बगैर किसी साडे उत्ते एहसान करन तो वो साड़ी हर आवाज नू सुनदे है। वो कोई दूर नहीं हुंदे गे, वो साड़े अंदर ही शब्द रूप होके बैठे हुंदे है, उस शब्द दे नाल ही सानू उन्होंने जोड़िया हुंदा है। सो इस वास्ते मैं सदा ही बोलन तो पहला अपने उस प्यारे गुरु का परमात्मा का सदा धन्यवाद। ये भी एक जवान नाल ही है, सच्चा धन्यवाद अंदर जाके ही है, जो असं उहदे नाल जुड़ जाने हैं, उहदी हस्ती नूं समझ जाने हैं, उहदे विच एक हो जाने हैं, फिर सानू पता लगता है कि गुरु किस देश चो आउंदा है, इहदा किड्डा देश सोहणा है। उही आत्मा गुरु नाल सच्चा सुचा प्यार करदियां हन कि इतना देश जिथे मौत नहीं, पैदाइश नहीं, जिथे अंधेरे का ना तक नहीं गा, एडा चंगा देश जिथे मौत पैदाइश नहीं, छड़ के सिर्फ आत्मा की खातर दुखां सुखां की नगरी विच आउंदा है, विशे बकारां की नगरी विच आउंदा है, बीमारियां का कोल उतारन करता है। बेशक किसी भी संत का साडा जाति तजर्बा है, इस संसार विच आउण नूं दिल नहीं करता हुंदा गा, लेकिन वह भेजा जाता है। दुनिया महाराज कृपाल कहते होंगे सी करमा का लेखा भुगतने वास्ते आती है, वो साड़ी मदद करने वास्ते आती है। वो कहते होंगे सी जेल के अंदर कैदी भी हैं, जो जिंदगी कैदी बतीत करता है वह एक सुपरडेंट नहीं, क्योंकि वह आजाद है, जब चाहे अंदर बाहर जा सकता है। तो गुरु नानक ने कहा जन परोपकारी आए जिया दान दे भगती लैन हर सो लैन मिलाए, वो साड़ी आत्मा का दान देने वास्ते सानू आउंदे है। उन्हां दे दान दे मुकाबले ते किसी का दान नहीं गा। सो सानू आके प्यार नाल होका दिंदे है, समझाउंदे है कि साडा जो घर है सचखंड साड़ी आत्मा उस दी वासी है। इहनू पता नहीं कितना चिर हो गया उत्थों भुल्ली नूं, ये बिल्कुल अपने घर की याद भुल गई है। वो उस घर की याद ताज़ा करने वास्ते आते हैं कि यह दुखां सुखां की नगरी है, जैसे असी कर्म करते हैं वैसे भोगण वास्ते आ जाने हैं। देह विच बैठ के कदे असी दुख भोगते हैं, कदे असी सुख भोगते हैं, ना सानू सुखां विच खुशी है ना सानू दुखां विच तां खुशी होनी की सी।
ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸੂ ਖੁਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਦ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਮ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਆਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ, ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਆਓ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੌਵਾਂ ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 119। ਤਜੋ ਮਨ ਯੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਾ ਤਾਮ, ਲਗੋ ਤੁਮ ਚੜੇ ਕਰ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਤਜੋ ਮਨ ਯੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਾ ਤਾਮ, ਲਗੋ ਤੁਮ ਚੜੇ ਕਰ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਨ ਚਾਰ ਤਨ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਫਿਰ ਛੂਟੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਰਲੇ ਕੁਛ ਪਾਪ ਰਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰੀਆ, ਸੋ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਈਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਖ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਚਰਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਦਿਨ ਚਾਰ ਤਨ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ, ਫਿਰ ਛੂਟੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ। ਤਨ ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਨਾਤੀ ਕਹੀਅਨ,
ये ने आवी काम। होना प्यार ना कहते है ना धन उस वेले कब आना है, ना कोई पुत ना पोता ना कोई दोता ना कोई होर, मैनू मेरे गुरु की कृपा नाल काफ़ी मुल्कां विच संसार विच जाण दा मौका मिलदा है। हर मुल्क की अलग अलग चितवनी हुंदी है, ख्याल हुंदे है। तो कोलंबिया दे देशां च मैं जद गया उत्थे उन्हां दा दया मंगण दा इस तरह का ढंग सी, जिन्हें भी आना बजुर्ग ने खास करके मेरे पुत्तां वास्ते, मेरे दोतियां वास्ते, पोतियां वास्ते बेशक उहदे पोते है या दोते है या नहीं, उन्हें सब वास्ते अरदास करनी है। लेकिन संत कहिंदे है अगर है भी तुहाडे बहुत सारे, फिर भी आखिर उस वक्त जब मौत गला दबाउंदी है ना तुहाडा धन कम आउणा है, धन किहड़ा कम आएगा जिहड़ा परमार्थ विच खर्च करता है, पुत किहड़ा कम आएगा जिहड़ा परमार्थ विच साथ दिंदा है, ओही धी कम आएगी। कबीर साहब ने कहा बिना कतियां पूणियां भरियां उलझा भरिया ना सूत, नाम जपत कन्या पली साकत भला ना पूत। अगर लड़की घर विच है वो नेक है, अच्छी है, रूहानियत दे विच वो साथ दिंदी है, तो उस पुत नालों जेड़ा साकत है, माता पिता का दिल दिखाउंदा है, शराबी कबाबी है, लख दर्जे उस तो वह चंगी है लड़की। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है तन दारा सुत नाती कही जे नहीं, जिस वेले मौत गला दबाउंदी है ना धन कम आउंदा है, ना कोई पुत्र ना धी ना कोई समाज ही आके रख्या करदा है। हां भाई तन दारा सुत नाती कहियन ये ने आवे काम, स्वास दुतारा नित ही जारी एक दिन खाली चाम, मशक समान जान यह देही बहती आठों जाम। और स्वामी जी महाराज बड़े प्यार ना दसते हैं कि जो राकट असमान नू जांदा है अगर उहदे विचों शक्ति लीक होण लग जांदी है वो उपर अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच सकदा गा। इसे तरह जिस चीज ने दी सानू शक्ति शब्द नाम दी साडे अंदर गुरु ने रखी है, अगर असीं उहनू दुनिया की मान वडियाई विच खर्च करदे हैं, बेशक जद अतर दी शीशी उहदा ढक्कण असीं खोलदे हैं दुनिया की ओरी महक आ जाती है, लेकिन वह शीशी तो खाली हो जाती है। इस तरह जो लोग रूहानियत दिखावे की खातर, मान विड़ियाई की खातर, मत्थे टेकन की खातर, लोगों नू लड़के देन की खातर खर्च करते हैं और रब दे बजाए पुत्र बनते शरीक बनते हैं, ये कहते हैं कि देखो भी रब ने तो थोड़ी कर्मा विच लिखा कुछ नहीं सी पर असी दिने हैं, वो बेचारे इतों की लैके जाएंगे। कल थानू राय साहब ने सत्संग दसिया कि ऐसे लोग रूहानियत चो की खटणगे, तो कहण दा भाव इतना ही है कि मशक दे अंदर हवा भरी है, उस समुद्र दे तैर रही है, अगर उस सुराख हो जाता है जेड़ा उदा सहारा लेंदा है
ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਬਲ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ਕ ਚ ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਰਾਖ, ਜਦ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਦੁਧਾਰਾ ਨਿਤ ਹੀ ਚਾਲੂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਕਟਨ ਵਧਨ ਤਿਲਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋੜੇ ਭਰਮ ਮੋਹ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਗਵਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਲ ਨਾ ਕਟਣ ਨਾ ਵਧਣ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਲੋੜੇ ਭਰਮ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਆਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ ਹੋਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਆ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਿਰੀਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨ ਯਹ ਦੇਹੀ, ਬਹਿਤੀ ਆਠੋਂ ਜਾਮ, ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਗਾਫਲ ਹੋ ਰਹਿਤਾ, ਸੁਨੇ ਨਾ ਮੂਲ ਕਲਾਮ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਫਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੂਲ ਕਲਾਮ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨਾ ਭਾਗ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਂਗ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਨੂੰ ਮੂਲ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਉ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਗਾਫਲ ਹੋ ਰਹਿਤਾ, ਸੁਨੇ ਨਾ ਮੂਲ ਕਲਾਮ, ਮਾਇਆ ਨਾਰ ਪੜੀ ਤੇਰੇ ਪੀਛੇ,
क्यों न छोड़त काम। बिन गुर दया छूटो न यासे, पजो गुरु का नाम। साडे अंदर आसा तृष्णा ने इतने डेरे ला ले है, इतनी अग भड़का दिती है। हर आदमी ए चाहुंदा है कि सारी दुनिया दा जो धन दौलत है वो मेरे पास आवे, दुनिया बेशक भुखी मर जावे। तुसी देख लो, गुरु नानक ने कहा लख जोड़े करोड़ जोड़े मन परे परे को होड़े रे। ना लख दी ना तृप्ति है, ना करोड़ा ना ना अरबा ना। जिन्ना तुसी अग दे उत्ते बालन पाओगे उन्ना ज्यादा भावड़ मचेगा, जिन्नी तृष्णा वधाओगे उन्नी ज्यादा वध जाएगी। इहनूं शांति नहीं। मैं दसदा हुंदा कि मेरा एक रिश्तेदार पुरस दे अंदर बड़ा अफसर सीगा, अच्छा आदमी सीगा। उन्हें मेरे ते सवाल किया, कहिंदा कि इंसान कास ना रजदा है, क्योंकि मैं पुरस दे महकमे विच हैं, तू साधुआं दे महकमे विच हैं, ते इत्थों मैं पुछदा हैं। उन्हें बड़ा एक सवाल किया, मैं उन्हूं प्यार ना दस्या भी दो चीज़ां ना इंसान रजदा है। मेरे तजर्बे च दोनों ही आईयां, एक तो सबर है, जिन्हों सबर आ गया तो शहनशाह आप नू समझे भावें कपर कमर कपीन नहीं, भावें उहदे तेड़ अंदर लंगोटी बनन नू भी नहीं, अगर उन्हों सबर है तो को मेरे जैसा तो राजा इंद्र भी स्वर्गां दा धनी नहीं, क्योंकि सबर है। उन्हों ये पता है कि मैं साथ की लिया सीगा, मुट्ठी मीच के जन्म लिया सीगा ते पसार के मैं चले जाना है। तो या जिस दे कुट पए, कोई डंडा ना कुटदा होवे दूसरे डंडे नू नहीं कहिंदा गा भी मेरे होर मार, तो कहण लगे हां ये ठीक है। सो कहण दा भाव यह है बे दो चीजां ही बंदे नू रजाउंदियां हैं, सबर आउंदा नाम दी कमाई ना, सबर नाम की कमाई ना आता। यह भी मैं उन्होंने दसिया प्यारिया, सबर नाम की कमाई बगैर नहीं आता गा। मता ख्याल हो बे मैं सबर कर लूंगा, जिन्ना तुसी गेंद नू दबाओगे उन्हें ज्यादा भुड़कती है। दो दिन सबर करो थोड़ा एक दिन मन सारा होर भटक पवेगा। कुट जद असी अंदर जाने हैं उत्थे काल दे दूत नरकां विच जीवां नू डंड दिंदा देखते हैं। ये भी अंदर जाके पता लगता है कि किन्नी किन्नी मार पैंदी है, किन्नी किन्नी सजा पैंदी है। महाराज सावन, क्योंकि महात्मा डराउण वास्ते नहीं कहिंदे गल्लां जो अखीं देखदे है, वो कहिंदे हुंदे जिन्हां जिन्हां ने गलतियां कीतियां हुंदियां संसार विच, जो प्राणियां औरतां नूं तकदे है मर्द या औरतां तकदियां हन, उन्हां नूं गर्म थम्मां नाल लाया जांदा है। फिर वो ये भी कहते होंगे सी ऐसे ऐसे थम है, अगर एक संसार विच आ जाए तो संसार तप उठे। जिन्हें खुश होके जुल्म करता है उमें पिछे हटदा है, वो फिर जफी पाउंदे थमना। तो मार का पता अंदर जाके लगता है, बाहर तो असी जे एक दिन डर गए फिर मन निडर कर दिंदा है, धोखा दे जांदा है। मैं देखे है बाहर कई चोरां ते कुट पैंदी, लेकिन वो ठीठ हो जांदे है, लेकिन जब अंदर मार पैंदी देखदे हैं या साड़ी जिंदगी च कर्मां दी भी बुरियां दी मार पैंदी है, उदों तुसी देख लो कि असीं किन्ने तड़फदे हैं, किन्ने दुखी हुंने हैं। घर विच बीमारी आ जांदी है, पास पैसा नहीं इलाज कराउण नूं, बच्चे पैदा हुंदे है उन्हां नूं कपड़ा है नहीं तन टकन नूं, खाना देण नूं उन्हां साडे कोल पैसा है नहीं, दाणे है नहीं, फिर तड़फदे हैं।
सो प्यारियो बिन गुरदया चूटो ने यासे पजो आप कहन लगे अपने आप असी चीजा नू ना डर प्राप्त कर सकते हैं ना सबर एदे विच सानू गुरु दे दया दी लोड़ है। भजो गुरु का नाम जो रस्ता संत सानू दसदे है ईमानदारी ना मेहनत ना उस दी कमाई करो जी। बिन गुर दया चूटो ने यासे पजो गुरु का नाम गुर का ध्यान तरो हृदय में मन को राखो थाम वे दयाल तेरी दया बिचारी दम दम करे सहाम। किस तरह असी इस दिन ताकत तो बच सकते हैं स्वामी जी महाराज कहते हैं अखां विच तीसरे तिल ते गुरु का स्वरूप रहे जवान तो उहदा सिमरन रहे तन भी उस पासे लग्या होवे पवित्र कर ले मन सिमरन पवित्र कर ले तो बगैर इस तरीके तो असी ना बचे सकते हैं ना कोई बचाई है। जद असी गुरु दी शिक्षा के उत्ते पूरा अमल करते हैं मैं पहले ही दस्या सी कि संत गरीब नवाज हुंदे है वो अपने बिरधी लाज रखते हैं कोई गरीब बने कोई संतां दी शिक्षा ते अमल करके देखे फिर पता लगता है कि आपकी ड्यूटी निभाउंदे है या नहीं निभाउंदे। जो लोग भजन सिमरन करते हैं या गुरु का ध्यान पका लेंदे है शब्द पका लेंदे है उन्होंने इंतजार नहीं करनी पैंदी गी कि गुरु आएगा अंत वेले या नहीं आएगा। संत सदा ही कहिंदे है कि तुसी के सत्संगी दी मौत वेले देखो शर्त यह हुंदी है कि बेसत्संगी पास ना होए फिर पुछो। लेकिन आम असीं की करदे हैं किसे नूं शांति नाल मरन भी नहीं दिंदे गए उहदी उदो जान नूं बनी हुंदी है गिरगिट की तरह बेचारा रंग बटाउंदा है बच्चे अलग मिलकण लगे है पत्नी अलग कहिंदी है दुश्मना किहदे लड़ ला चलिया है पत्नी जांदी है तो मर्द रो रहा है उहदा ध्यान बजाए अंदर लगण दे असीं बटा लैंदे हैं उह सानूं देख के रोंदा असीं उहनूं देख के रोंदे हैं। सो इस वास्ते आप कहिंदे है वह फिर दया करता है दया विचारदा है कि निर्बल जीव है वह जरूर दया करता है सतगुरु दया का रूप है गुरु नानक ने कहा जिसनों दया दया सदा होए जी। वे दयाल तेरी दया बिचारी दम दम करे सहाम छोड़ पोग क्यों रोग बिसावी या में ने आराम गोरे का कहना मान प्यारे तो पावे बिसराम। बड़ा प्यार ना कहते हैं बड़ी जिंदगी बर्बाद कर ली है हरेक जून विच सानू भोग भी मिलते आए प्रलभ दे मुताबक बच्चे बच्चियां भी मिलते आए दुख भी मिलते आए सुख भी मिलते आए। इंसान का जो जामा है यह तो परमात्मा की भगती वास्ते है। महात्मा दसते हैं पंजे बिछे पगेंदिया उम्र गवाई यार ए मन ना रजिया हुण कद रज सी यार। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है गुर का कहना मान प्यारे तो पावे बिसरा अगर संतां दा कहा मन्निए
जो सेवक मनदा है वो जरूर टिकाने लाउंदा है, जेड़ा उन्हें वचन दिता है वो जरूर उसका बजा हुंदा है, वो जीत दे साफ हुंदा है। जी गोरे का कहना मान प्यारे तो पावे विश्राम, दुख तेरा सब दूर करेंगे देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई खोज करो निज नाम। दो अर्थी बात हुंदी है, जो बच्चा टीचर दा कहा मनदा है टीचर भी उधर तवज्जो दिंदा है, इस तरह जो संतां दा कहा मन के जिंदगी नूं पवित्र बनाउंदा है, शब्द नाम दी कमाई तो करदा है, संत भी उधर पूरी तवज्जो दिंदे है। कोई करके देखे वो हमेशा ही तैयार रहिंदे आ मदद वास्ते। इस वास्ते आप कहिंदे है गुर का कहना, जो महात्मा सानू कहिंदे है सब तो पहला उन्हां दा कहा मनो। संत महात्मा की कहिंदे है वो सानू प्यार ना ना तो ये कहिंदे है भी तुसी घर बार छड़ दिओ या पुत्रां धीआं नू छड़ दिओ, जंगलां पहाड़ां च उठ जाओ या मंदिर मस्जिद विच लुक जाओ, बल्कि वो तो ये कहिंदे है घर विच रह के तुसी अच्छी भगती कर सकते हो, घर विच तुहाडियां सारियां जरूरतां पूरियां हो जाणगियां, क्योंकि फर्ज करो तुसी त्यागी बन गए हो तो कपड़ा जेड़ा है तन मंगेगा, खाना भी मंगेगा, कुली भी मंगेगा, केड़ी चीज है भाई, एक बीवी दियां रोटियां छड़दियां नेकां के हथ फैलाउणा पैंदा है, केड़ी चीज उत्थे छड़ दित्ती, ना काम छुट्टिया, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना हंकार। साधु तो बनते नहीं, साधु होने का हकार जरूर हो जाता है कि असी साधु बन गए हैं, पे गृहस्थियों नूं धमका के असी उन्हां तों पैसे बटोरदे हैं। हुण तुसी देख सकते हो कि जे घरे रहिंदे आपदी दसां नौहां की रोजी रोटी कमाउंदे, उहदे विचों खुद भी लंगर विच पाउंदे, किसे होर गरीब गुरवे की मदद करदे, लेकिन असी की करते हैं अपना बोझा दूजियां ते पा दिंदे हैं। सो संत महात्मा प्यार ना सानू दसदे है ना घर बार छड़ना, मन नू पलटना है, घर विच रहिंदे होए परमात्मा दा समझना है, उहदी आवाज नू सुनना है, उहदी भगती करनी है। सो देंगे चल मकाम, ये दुखां सुखां दी नगरी स्वामी जी ने पहला कहा सी इहनू तजो, इस तों छुड़ा के जो नेचल है जो ना परलों चटेंदा है ना महापरलों दे विच सचखंड वो टिकाणा दिंदे है। सो सानू भी चाहिए है कि जो स्वामी जी महाराज ने सानू प्यार ना समझा दिता है, शब्द नाम की कमाई क्यों करनी है, कादे वास्ते करनी है, संतां दी सिख्या नू प्यार ना समझना है, अपने जीवन नू सफल बनाउणा है।